हेलो फ्रेंड्स, चलो मैं आपको अपना एक इंट्रो जो है एक डेमो सैंपल देता हूँ। अभी अभी जस्ट मेरा इंटरव्यू हुआ है, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो कैसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पे डेमो जो है आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, जिसकी वजह से आप भी आकाश बायजूस में सेलेक्ट हो सकते हो। फर्स्टली फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आता है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन कैसे दिया मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो हेलो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू। माई नेम इज शैलेंद्र सोनी, आई एम अ क्रिएटर एंड हार्ड वर्कर। आई एम फ्रॉम बैतूल मध्य प्रदेश, बट करेंटली लिविंग इन नागपुर महाराष्ट्र। आई वॉज बॉर्न ऑन 5 सेप्टेम्बर 1988 इन बैतूल। आई एम अ फैकल्टी ऑफ बॉटनी। आई हैव मोर देन 10 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। आई हैव डन माई ग्रेजुएशन एज अ बैचलर ऑफ साइंस फ्रॉम डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर। आफ्टर डेट आई हैव कंप्लीटेड माई पोस्ट ग्रेजुएशन एज अ मास्टर ऑफ साइंस इन माइक्रोबायोलॉजी, राजसंत त्रुक्लुजी महाराज यूनिवर्सिटी नागपुर। आई हैव ऑल्सो डन बैचलर ऑफ एजुकेशन। देर आर 9 मेंबर इन माई फैमिली, माई फादर, माई मदर, माई ब्रदर, माई वाइफ एंड माई सन एंड मी ऑल्सो। माई फादर वॉज गवर्नमेंट सर्वेंट, नाउ रिटायर्ड एज अ डिप्टी फॉरेस्टर। माई मदर इज होम मेकर। आई लव रीडिंग एंड टॉकिंग। एंड आफ्टर डेट आई स्टार्टेड माई कैरियर एज अ टीचिंग फ्रॉम 2011। फर्स्टली आई ज्वाइन कोटा विजन प्राइवेट लिमिटेड चंद्रपुर। आफ्टर डेट आई वर्क विद पिरामिड ट्यूटोरियल एज अ फैकल्टी ऑफ बॉटनी। करेंटली आई एम वर्किंग एज अ फैकल्टी ऑफ बॉटनी डीडीएस अकेडमी नागपुर फ्रॉम 2016 टू टिल नाउ। दिस वॉज माई इंट्रो, थैंक यू टू लिसनिंग मी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जैसे कि आपका मतलब टीचिंग एज अ प्रोफेशन जो है क्यों आप सिलेक्ट किए, व्हाई डू यू वांट टू बी अ एजुकेटर, या फिर रीजन फॉर चूजिंग ऑफ टीचिंग एज अ प्रोफेशन। तो इसमें मेरा जो आंसर था कुछ ऐसा था कि टीचिंग जो है एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे हमें हमेशा लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट का मौका मिलता है। बेसिकली जब मैं स्कूलिंग मेरा जब चल रहा था, तो मेरा खुद का भी स्टडी ऐसे होता था कि मैं अपने फ्रेंड्स को पढ़ाऊं तभी मेरा स्टडी होता था। और कहते हैं ना कि एक बार पढ़ाना 10 बार पढ़ने के बराबर होता है, दैट इज द रीजन। सेकेंड थिंग ये है कि जब हमारे सामने कोई बच्चा बैठा होता है तो एक यंग एंड क्यूरियस माइंड होता है, ओके, तो उसको हमें पढ़ाना है तो उसके लिए हमें हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, बेटर करने के लिए एक पुश आउट, एक मोटिवेशन मिलता है। और हमेशा हम अपने सब्जेक्ट नॉलेज को इम्प्रूव करते रहते हैं, हर दिन अपने आप को अपडेटेड करते रहते हैं। जैसे ऑनलाइन टीचिंग भी जो है एक बहुत अच्छा एक चेंज हमारे सामने आया, जो हमें इंस्पायर करता है कि हम हमेशा कुछ लर्न करते रहे। और टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे हमें वर्क सेटिस्फेक्शन मिलता है। जैसे कोई बच्चा अपना एक डाउट लेके आ रहा है आपके सामने, और जब आप उसको अलग अलग डिफरेंट टीचिंग मेथड एंड स्ट्रेटेजीज के हेल्प से जब उसे समझाते हैं, उसे कन्वे करते हैं, उसके डाउट उसकी क्वेरी को सॉल्व करते हैं, तो आपको खुद को अंदर से जो फीलिंग आती है बहुत अच्छा हैप्पीनेस फील होता है, और एक जो रिस्पेक्ट होता है वो इसी प्रोफेशन में होता है। तो दैट इज द रीजन जो हमने टीचिंग एज अ प्रोफेशन जो है हमने सेलेक्ट किए। इसके साथ एक क्वेश्चन है कि आप हमारे कंपनी के साथ क्यों जुड़ना चाहते हो, ओके, तो एक क्वेश्चन ये आता है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हमें मिल रहा है, वेल डेवलप्ड स्टेबल प्लेटफॉर्म है, साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी क्वालिटी को इस जगह पे आके एनहांस कर सकता हूँ, इम्प्रूव कर सकता हूँ, एंड हार्ड वर्क जो है मेरा इस जगह पे मुझे ऐसा लगता है कि अप्रिसिएट किया जाएगा। यह है एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि आपका टीचिंग स्टाइल कैसा है। तो टीचिंग स्टाइल हम ये कह सकते हैं कि जो भी हम बुक्स पढ़ाते हैं उसके कंसेप्ट को लेकर के एक एप्लीकेशन बेस्ड टीचिंग देते हैं, मीन्स प्रैक्टिकल रियलिटी पे हम जाते हुए अपना टीचिंग जो है हम जा सकते हैं, ये क्वेश्चन हो सकता है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि आप अपना ओल्ड जॉब जो है वो आप क्यों छोड़ना चाहते हो। तो इसमें आंसर ये हो सकता है कि देखो, आप बहुत लंबे टाइम से इस जगह पे काम कर रहे हो और आप अपने कंफर्ट जोन में आ गए हो, और अब आप ये चाहते हो कि कुछ नया इंप्रूवमेंट, एक नया लर्निंग, एक ग्रोथ चाहे, तो एक न्यू चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में आपको जाना है, जिसकी वजह से आप ओल्ड जो जॉब है उसको छोड़ना चाहते हो। इसके अलावा आप एडिशनल ये भी कह सकते हैं कि अभी कोविड की वजह से कंपनी जो है फाइनेंशियल क्राइसिस पे चल रही है पहले, लेकिन ये कहना है आपको कि इस कंपनी में मुझे मेजर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ नया ग्रोथ चाहिए। और साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि कंपनी थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस पे है, जॉब सेटिस्फेक्शन या जॉब के लिए या जॉब इनसिक्योरिटी की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इस कंपनी को छोड़ के मुझे दूसरी जगह जाना चाहिए। एक ये है एक क्वेश्चन ये आता है कि आपका रिजल्ट जो है कैसा क्या है,
तो हम ये कह सकते हैं कि टॉप 100 में तो हम नहीं है, लेकिन फिर भी हर बच्चे में एक यूनिक क्वालिटी होती है और हर एक टीचर में एक एबिलिटी होती है कि उस बच्चे को पॉलिश करके उसको हम कुछ अच्छा बना पाए। और साथ ही साथ क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट जब होते हैं तो रियल में रिजल्ट आता है, और रिजल्ट किसी एक का नहीं होता है, एक रिजल्ट जो होता है टीम वर्क होता है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारा खुद का एक रिजल्ट है, रिजल्ट जो है टीम वर्क होता है, और साथ ही साथ हमारे रिजल्ट आए हुए हैं, फिर उसमें आप दो तीन एग्जाम्पल जो आपके नेम से स्टूडेंट्स के शेयर कर सकते हो। ओके, एक क्वेश्चन ये आता है कि जैसे कोई बच्चा वीक है और वीक स्टूडेंट है, तो उसको आप कैसे मतलब पढ़ाओगे, या एक क्लास में एक वीक है और एक टैलेंटेड है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? तो उसके लिए आपका टीचिंग लेसन प्लान जो होता है, टीचिंग करिकुलम कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम ये कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं हम लोग, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा वीक और टैलेंटेड है, तो टीचिंग मेथड ऐसी रखो कि एक बेस से स्टार्ट करो ताकि वीक बच्चे को भी समझ में आ जाए और एक हाई लेवल तक के चले जाए ताकि उस टैलेंटेड बच्चे का भी अच्छा हो जाए। लेकिन कोई बच्चा रियल में बहुत वीक है, वो स्टडी में अच्छा नहीं कर पा रहा है, तो उसको बैठ के उससे बात कर सकते हैं हम लोग, उसको मोटिवेट कर सकते हैं, साथ ही साथ उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, पर्सनल नहीं लेकिन उसका एक्चुअल जेन्युइन प्रॉब्लम क्या है उसको समझ के हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम अपनी टीचिंग मेथड्स की वजह से उसको चीज समझ में नहीं आ रहा है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम बच्चे का ये होता है कॉम्पिटिशन एंड कंपेरिजन, इसकी वजह से वो डिमोटिवेट होता है। तो उसको समझाते हुए हम उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग दिला सकते हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत टफ नहीं रहते हैं, सिंपल है। एक और क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि जैसे आप बॉटनी पढ़ाते हो, तो बॉटनी में आपका कौन सा वीक सब्जेक्ट है या कौन सा वीक टॉपिक है जो आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे या जिस पे आपको काम करने की जरूरत है? तो उसमें आंसर ये नहीं देना कि डायरेक्ट आप लिस्ट बता दो कि मेरे ये वीक है, ऐसा नहीं। अभी कह सकते कि अब काफी लंबे समय से पढ़ा रहा हूँ तो ऐसा वीक तो कुछ नहीं है, हाँ लेकिन कुछ चैप्टर में थोड़ा सा प्रॉब्लम जाता है, जैसे जो एग्जाम्पल बेस्ड है उनको याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए भी हमने ट्रिक्स बना के रखे हैं, तो उससे हमें उतना प्रॉब्लम नहीं आता। और फिर ऐसा क्वेश्चन किया था कि जेनेटिक्स में फिर क्या है आपके साथ, तो जेनेटिक्स को लेके फिर हम ये कह सकते हैं कि नहीं, जेनेटिक्स में तो सब कुछ अच्छा से, जेनेटिक जो क्रॉस आ जाते हैं उसमें कभी कभी कंफ्यूज हो सकते हैं हम लोग, बस दैट इज द रीजन, बस इतना ही होता है और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल जाता है। तो आप लोग भी ट्राई कीजिए, ऑल द बेस्ट। आई होप मेरा ये जो वीडियो है आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, और आगे भी आपके लिए अच्छे एक वीडियो जो है अपडेटेड करके मैं आप लोगों के सामने लेके आऊंगा ताकि आपको काफी हेल्प मिले। थैंक यू, बाय बाय।